स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो इनिशियली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इनिशियली बहुत ही कम एलिमेंट्स थे, वेरी फ्यू एलिमेंट्स वर देयर, राइट? और जब बहुत ही कम एलिमेंट्स थे तो उनको याद करना, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करना बहुत ही ईजी था। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करना, हर एक एलिमेंट को याद करना, उसकी प्रॉपर्टी को याद करना बहुत ही ईजी वर्क था हमारे लिए, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती गई, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता गया, एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती गई, तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स का नंबर भी बढ़ता गया। नाउ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत ही हार्ड हो गया हमारे लिए टू रिमेंबर दी प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट्स। नाउ प्रॉपर्टी को रिमेंबर करना, प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना हर एक एलिमेंट के लिए बहुत ही हमारे लिए हार्ड हो गया था, डिफ़िकल्ट हो गया था, राइट? तो पहले ईजी था, अब हार्ड हो गया है। तो अब जब और इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड हुई तो और ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे। तो बच्चों जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, वैसे वैसे एलिमेंट्स के नंबर बढ़ते गए और हम हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद कर पाएँ, एग्जैक्टली थॉरोली लर्न कर पाए, वो हमारे लिए मुश्किल होता गया। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद करना हमारे लिए ईजी हो जाए। क्लासिफिकेशन करने से स्टडी क्या हो गई? ईजी। सो वाई क्लासिफिकेशन वॉज डन? वाई क्लासिफिकेशन वॉज डन? इट वॉज डन इन ऑर्डर, इट वॉज डन इन ऑर्डर टू मेक स्टडी सिंपल। इट वॉज ऑर्डर टू मेक स्टडी सिंपल। ओके, स्टडी को सिंपल करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है? अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की क्वायरी तो क्लियर हो चुकी कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, बट क्लासिफिकेशन कैसे किया गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो बच्चों क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी, एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया। उन एलिमेंट्स को क्या रखा गया? सेम ग्रुप में। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, अगर हम इसका आंसर करते हैं बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है। एलिमेंट्स विच हैव सेम प्रॉपर्टीज, हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? वी कैन राइट एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ठीक है? तो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में पुट किया गया, ठीक है? तो हमें दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया ताकि स्टडी क्या हो जाए, सिंपल। और क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में प्लेस किया गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आर दी फर्स्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया, ठीक है बच्चों? 11th में इस बार आपकी हिस्ट्री ऑमिट हो चुका है, तो हम हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। क्योंकि अब जो क्लासिफिकेशन पोर्शन है, अब जो क्लासिफिकेशन पोर्शन है वो एक तरह से 10th क्लास वाला पोर्शन है, ठीक है? तो हम 11th में डायरेक्टली जो हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ 11th क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम बहुत ही जल्दी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि बच्चों जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था वो डॉबिनियर के थ्रू किया गया था, और डॉबिनियर का लॉ कहा गया है डॉबिनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया,
और इन्होंने ये जो एलिमेंट्स लिए, ये थ्री सेट ऑफ एलिमेंट्स लिए. कितने एलिमेंट्स लिए? थ्री सेट ऑफ एलिमेंट्स. इन थ्री सेट ऑफ एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया. और जो ये थ्री सेट ऑफ एलिमेंट्स थे जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? प्रॉपर्टीज़ थी ऑलमोस्ट सिमिलर. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? ऑलमोस्ट सिमिलर. और नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 10 दैट डॉबिनियर ने एक और पॉइंट दिया, एक और पोस्टुलेट दिया. उन्होंने कहा कि अगर हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं, सपोज ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट है, ठीक है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया उन्होंने, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी सेम है, और इन तीनों को उन्होंने क्या दिया गया, इस सेट को, थ्री एलिमेंट्स के सेट को नाम दिया गया ट्रायड. उन्होंने ये कहा कि जब हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की मास को ऐड करते हैं और उसका एवरेज लेते हैं, तो जो मास निकलेगा वो मिडिल एलिमेंट के मास के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल भी आ जाता है, और कुछ केसेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना. तो डॉबिनियर ने ये पॉइंट्स दिए थे. दीज आर द टोटल फोर पॉइंट्स विच वर गिवन बाय द डॉबिनियर. नाउ स्टूडेंट्स, डॉबिनियर हर एक एलिमेंट का ट्रायड नहीं बना पाया, ये इसका लिमिटेशन था. इस वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया. तो स्टूडेंट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहना चाहता है? सो स्टूडेंट्स इस वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव आया. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव क्या कहता है? जिस तरीके से सारे गामा पाधा नीसा के अंदर, दैट इज जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स, जैसे कि क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जिस तरीके से एट्थ नोड फर्स्ट नोड के सिमिलर है, उसी तरीके से जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, तो जो एट्थ एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है, इसलिए हम इसको कौन से ग्रुप में पुट कर देते हैं? वापस फर्स्ट ग्रुप में पुट कर देते हैं, ठीक है. तो इनके हिसाब से, न्यूलैंड के हिसाब से, एवरी एट्थ एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, सो इट इज़ प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर सेम ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है बच्चों. तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में. अब हम पढ़ रहे हैं लॉथर्स मेयर कर्व. तो स्टूडेंट्स, लॉथर मेयर ने क्या किया, एक कर्व प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट वर्सेस उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है. तो उन्हें कुछ कर्व्स मिले. उनका ये कहना था कि जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं कर्व पे, सपोज कुछ एलिमेंट इस पोजीशन पे आ रहे हैं कर्व पे, तो जो एलिमेंट्स इस सेम पोजीशन पे है कर्व में, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, कुछ एलिमेंट्स इस वाले कर्व पे आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले कर्व पे, तो इन जो ये जो भी एलिमेंट्स इस कर्व पे हैं, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है. एंड कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सपोज बॉटम ऑफ द कर्व पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टी क्या है, सेम. तो जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे आ रहा है कर्व पे, उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, सेम. तो पोजीशन ऑफ कर्व ये बताती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है. तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, उन्हें कुछ ग्राफ मिला, ठीक है. तो उस ग्राफ में जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, सेम. फॉर एग्जांपल, जो टॉप पे होंगे उन सबकी सेम होगी, जो बॉटम पे उन सबकी भी सेम होगी, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ऑन द ग्राफ, ठीक है, तो उनकी भी क्या होगी, सेम होगी, है ना. बट अगर मैं इस ग्रीन वाले एलिमेंट्स को अगर इन ब्लू वाले एलिमेंट से कंपेयर करूँ, तो इनकी आपस में प्रॉपर्टी वेरी करेगी. अगर इस ब्लू और ब्लैक वाले एलिमेंट से कंपेयर करूँ, तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में वेरी करेगी, ठीक है. तो ये लॉथर मेयर का कर्व था, और इस कर्व के हिसाब से उन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को बताया, और उसी हिसाब से उनको अरेंज किया. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज मेंडेलीव लॉ. नाउ मेंडेलीव जो पीरियडिक टेबल है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था पीरियडिक टेबल में, इसलिए मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहा गया है, ठीक है. तो मेंडेलीव ने क्या कहा था बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा, मेंडेलीव ने कहा था, सो ही क्लासिफाइड पीरियडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप, ठीक है. जो हॉरिजेंटल
रोज थे उसको उन्होंने कहा क्या कहा, पीरियड्स कहा, ठीक है। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको उसने क्या कहा, उनको उन्होंने ग्रुप कहा, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको उन्होंने ग्रुप कहा। तो उन्होंने पीरियडिक टेबल को पीरियड्स एंड ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे में पीरियडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया। तो उन्होंने पीरियड्स और ग्रुप के बेसिस पे पीरियडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेंडलीव की थी कि मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के लिए भी पोजिशन वैकेंट छोड़ी थी जो जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे। मेंडलीव्स के टाइम तक ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को तो फिट कर दिया इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इन्होंने क्या किया, उनके लिए इन्होंने स्पेस वैकेंट छोड़ दिया, ठीक है, ताकि जब भी वो एलिमेंट्स आए तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसको फिट कर दिया जाए। और सबसे बड़ा अचीवमेंट ही है बच्चों की, जब लेटर ऑन न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी पीरियडिक टेबल वो इजीली वहाँ पे फिट हो गए जो प्लेस उनके लिए वैकेंट छोड़ी थी, ठीक है। तो ये मेंडलीव्स का, मेंडलीव्स ने भी अटोमिक मासेस के बेसिस पे ही अरेंज किया था। नाउ स्टूडेंट, जब हम मेंडलीव पीरियडिक टेबल देखते थे तो हमने ये देखा कि कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा है बट वो फिर भी पहले आ रहा है। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास ज़्यादा थे बट वो फिर भी पहले आ रहे थे। अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है तो वो बाद में आने चाहिए, दे शुड बी कम लेटर ऑन द पीरियडिक टेबल इवन दो वो जो हैं वो पहले आ रहे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी मेंडलीव्स में जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मॉसले ने ये कहा, ये सजेशन दिया कि हमें जो पीरियडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करना चाहिए। तो जब पीरियडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया उसको, तब जो भी उसके फ्लॉज थे वो सब ओवरकम हो गए। जो भी प्रॉब्लम्स थी मास को लेके वो सब क्या हो गई, ओवरकम हो गई, ठीक है बच्चों। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसके बेसिस पे की गई, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स सी अबाउट द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। स्टूडेंट्स, यू नो दैट जब से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, द क्लासिफिकेशन वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, सब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया गया और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी उन्हें सेम ग्रुप में प्लेस किया गया। लेकिन जब मेंडलीव्स की पीरियडिक टेबल आई तो उन्होंने भी मास के हिसाब से ही उनको अरेंज किया, लेकिन उन्होंने काफ़ी प्लेसेस ऐसे खाली छोड़ दी क्योंकि उन्हें आइडिया था कि इस टेबल के अंदर अभी और भी एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होने बाकी हैं। सो ही लेफ्ट दी सम प्लेसेस फॉर दी एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, जिन्हें डिस्कवर होना बाकी था उनके लिए भी उन्होंने प्लेसेस खाली छोड़ दी। तो वो सबसे मेजर अचीवमेंट था उनकी टेबल का। तो स्टूडेंट्स, मेंडलीव्स ने काफ़ी हद तक एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया, इसलिए मेंडलीव्स को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियडिक टेबल। नाउ स्टूडेंट्स, लेटर ऑन विद द डिस्कवरी ये समझ में आया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है उनके बेसिस पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और मॉसले साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि आपको एलिमेंट को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। किसके हिसाब से अरेंज करना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना है। तो हुआ क्या बच्चों, जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी उसी पीरियडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, दैट एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो भी ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव पीरियडिक टेबल के वो ओवरकम हो गए, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल को बेस रख के मॉसले ने ये कहा कि इन्हीं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज कीजिए तो सब चीज़ें प्रॉपर हो जाएगी, और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ।
ठीक है, तो इसलिए हम इस पीरियड को इस पीरियडिक टेबल को मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं, या फिर हम इसको मॉडर्न मेंडली पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। ओके, मॉडर्न मेंडली पीरियडिक टेबल भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी तक जो हमने डिस्कस की उसके अंदर ये है कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो कौन किसके बेसिस पे कैटेगराइज हुई है या फिर अरेंज हुई है, तो बच्चों वो अरेंज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसके बेसिस पे अरेंज हुई है, एटॉमिक नंबर के। अभी तक हम एटॉमिक मास के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं अरेंजमेंट क्या है एलिमेंट्स का। तो देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सबसे पहले जो पीरियडिक टेबल है उसको पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किया गया। उसमें टोटल जो ग्रुप्स थे वो 9 ग्रुप्स थे। ग्रुप्स का मतलब होता है बच्चों वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो 9 वर्टिकल कॉलम्स थे उनके अंदर, और इन कॉलम्स को मार्क किया गया एज 0 to 8, 0 to 8। ठीक है, तो बच्चों जो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेवन, तो जो फर्स्ट टू सेवन ग्रुप थे उनको ए और बी में सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, और इनको कहा गया नॉर्मल ग्रुप। ठीक है, और जो 8 था उसके अंदर 3-3 एलिमेंट्स के सेट बनाए गए, और इन एलिमेंट्स ये जो एलिमेंट्स थे ये आपस में क्या थे, सिमिलर थे। तो इस जो 8th ग्रुप है उसमें ट्रांजिशन ट्राइड्स होते हैं, मतलब 3 सिमिलर एलिमेंट्स को साथ में प्लेस किया गया। ओके, जैसे यहाँ पे सब एग्जांपल दे रखा है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, और रुथेनियम, रुइडियम, पैलेडियम, ओसमम, इरिडियम या फिर प्लैटिनम। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं किस तरीके से ट्राइड्स इसमें फिट किए गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो बच्चों सेकंड बात है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन टू हैवीएस्ट एलिमेंट दैट इज यूरेनियम, तो उनको 7 पीरियड्स में कैटेगराइज किया गया। ग्रुप्स हमने पढ़ लिए, 9 ग्रुप्स थे, ठीक है, 0 to 8, और अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो बच्चों 7 पीरियड्स थे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अपने नंबर ऑफ पीरियड्स लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस वन इज दी 7। तो बच्चों जो फर्स्ट पीरियड था उसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, और इसको कहा जाता था वेरी शॉर्ट पीरियड। जो सेकंड पीरियड था उसमें 8 एलिमेंट्स थे, इसको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। जो थर्ड है उसमें भी 8 एंड शॉर्ट पीरियड। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट दी फोर्थ पीरियड, तो उसमें 18 एलिमेंट्स थे, और फिफ्थ वाले में भी 18 एलिमेंट्स थे। तो फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड उसमें 18 एलिमेंट्स है, तो इनको क्या कहा गया, लॉन्ग पीरियड। ओके, क्योंकि एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। आप देखिए बच्चों, सिक्स जो पीरियड था उसमें 32 एलिमेंट्स थे, तो इसलिए इसको कहा गया वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और अगर हम सेवन्थ की बात करते हैं तो बच्चों उसमें 6 एलिमेंट्स है अप टू एटोमिक नंबर 92, और इसको भी कहा गया वेरी लॉन्ग, और ये इनकम्प्लीट थी बच्चों। ठीक है, तो ये था पूरा उनका ट्रेंड। उन्होंने क्या क्लासिफाई किया, उन्होंने ग्रुप और पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई किया। ग्रुप कितने थे, 9, और पीरियड्स कितने थे, 7। ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, और जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो था मॉडर्न पीरियडिक टेबल था, मैं इसके बाद में आपके साथ उसकी इमेज भी शेयर कर लूँगी। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीरियडिक टेबल, जो है लॉन्ग पीरियडिक टेबल या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, तो हम उसको स्टडी करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियडिक टेबल जो है वो है एक्सटेंडेड या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। बच्चों इसका जो क्रेडिट है किसी एक साइंटिस्ट को नहीं दिया जा सकता, इसकी क्रेडिट बहुत सारे साइंटिस्ट को दिया गया है, जैसे कि रैंक, वर्नर, बोर, बरी, मेंडलीव्स एक्सेट्रा। तो बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको इसका क्रेडिट दिया गया। ठीक है बच्चों, और इसको एक्सक्लूसिवली कहा जाता है बोर टेबल, इसको रेफर किया जाता है एज बोर टेबल, क्योंकि बच्चों ये जो बेस्ड है, ये बेस्ड है बोर स्कीम के ऊपर, ये बेस्ड है बोर स्कीम के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए जाते हैं वो पहले लोअर एनर्जी में फिल किए जाते हैं, और फिर धीरे धीरे अपर एनर्जी लेवल में फिल किए जाएंगे। तो लोअर एनर्जी लेवल है उसको पहले फिल किया जाता है, और जो अपर एनर्जी लेवल है उसको लेटर फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बोर टेबल इसको कहा जाता है क्योंकि ये फॉलो करता है बोर स्कीम।
क्या फॉलो करता है, बोर स्कीम। और बोर स्कीम क्या कहता है, बोर स्कीम बताता है अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसको पहले फिल किया जाएगा इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद में अपर एनर्जी लेवल को फिल किया जाएगा, ठीक है। और इसको जो हम बोलते हैं, ये जो प्रिंसिपल है इसको हम बोलते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं हम इसको, ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोअर एनर्जी में फिल करेंगे, उसके बाद में हम अपर एनर्जी की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो है इसका हिस्ट्री के बारे में, अगर हम एक्सटेंडेड या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। अब हम बताते हैं कि इसको क्लासीफाई कैसे किया गया है, किस तरीके से ग्रुप्स ऑफ पीरियड को क्लासीफाई किया गया है। सो लेट्स सी दैट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रोमन लेटर्स लिखे हुए हैं और ए और बी लिखा हुआ, और नीचे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई है। बच्चों इसको हम 1, 2, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है इसको हम फर्स्ट ग्रुप बोल सकते हैं, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, एंड टोटल 18 ग्रुप्स हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम जब ग्रुपिज्म ऐसे करते हैं 1, 2, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, तो बच्चों ये हम नंबरिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यू पैक, ठीक है। अगर हम ये जो 1, 2, 3 ग्रुप्स यूज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो बच्चों ये जो हम नंबरिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस कर रहे हैं यू पैक, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने हम जो ग्रुप्स हैं उनको 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्हीं ग्रुप्स को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये फर्स्ट ग्रुप है इसको मैं 1A कंसिडर करती हूँ, जो सेकंड ग्रुप है इसको मैं सेकंड ए कंसीडर करती हूँ, जो तो थर्ड ग्रुप है इसको थर्ड बी कंसीडर करती हूँ, फोर्थ ग्रुप को फोर्थ बी कंसीडर करती हूँ, तो जो बच्चों ये जो मैंने ऊपर रोमन लेटर के साथ ए और बी के साथ में अटैच करके जो लिखा है, ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन ट्रेडिशन। तो बच्चों अगर हम ये बताते हैं कि सपोज फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है या फिर थर्ड बी है, तो ये किसके बेसिस पे है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन ट्रेडिशन। तो यह है ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन ट्रेडिशन, ठीक है। दोनों ही एक ही चीज, लेकिन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो बच्चों टोटल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 18 ग्रुप है अगर हम यू पैक के हिसाब से देखें, और अगर अमेरिकन ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप को 1A बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए, थर्ड ग्रुप को थर्ड बी, फोर्थ ग्रुप को फोर्थ बी, फिफ्थ ग्रुप को फिफ्थ बी, सिक्स ग्रुप को सिक्स बी, एंड सो ऑन, ठीक है। आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन मैंने बता रखा। अब बच्चों यहाँ पे जो ये हमारे पास 18 ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम 8A बोल रहे हैं, इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो नंबरिंग कर रखी है ना, ये नंबरिंग है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें लास्ट के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे इसलिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2, ठीक है। इन द सेम वे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बेसिस पे नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। अब देखिए जैसे अब इसकी बात करते हैं, ये 13 ग्रुप है, लेकिन जब नोटिस करेंगे बच्चों तो इसमें होता है NS2NP1, तो बाहर की शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 = 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो होगा NS2NP2, तो S में 2 है, P में 2 है, टोटल कितने हो जाएंगे 4, इसलिए बच्चों यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे यहाँ पे रोमन लेटर्स लिखे हुए हैं, और ये कौन सा ट्रेडिशन है, ये अमेरिकन ट्रेडिशन के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें ये देखना है कि इसमें टोटल 18 ग्रुप है, ऐसा लिखा हुआ है तब भी ठीक है, अगर रोमन लेटर में ए और बी के साथ में लिखा है तब भी ठीक है, दोनों ही किसी बुक में इस तरीके से लिखा होता है, किसी बुक में इस तरीके से, और किसी बुक में दोनों कंबाइन फॉर्म में भी लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन मेटल, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड से लेके जो 12th ग्रुप है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। फिर हम अगर 15th ग्रुप की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं निकोटोजन, ठीक है। 16th ग्रुप है इसको हम बोलते हैं चालकोजन, 18th ग्रुप को 17th ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन, और 18th ग्रुप जो जीरो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। अब अच्छा बच्चों हम ब्लॉकिंग जब कर रहे हैं, ब्लॉक के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, तो टोटल 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास में, एस पी
डी एंड एफ चार ब्लॉक है ना, इसके बारे में डिटेल में हम अभी थोड़ी देर बाद में स्टडी करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो एस पी डी एफ है, ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक जो फर्स्ट टू जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। यहाँ पे थर्ड से लेके जो 12th तक है टोटल 10 ग्रुप्स हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। तो देखो एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है, 10 ग्रुप है। अब देख लीजिए यहाँ पे आप 13 से लेके 18 तक जो कंसीडर करते हैं ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है बच्चों, 6 ग्रुप है, ठीक है। अब ये हमारे पास में आ गया एफ ब्लॉक, जो नीचे एकदम पीरियडिक टेबल में अलग से नीचे आपको दो टेबल्स दिखेगी, ये हमारे पास में है एफ ब्लॉक। इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल और एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास में दोनों क्या है, एफ ब्लॉक, ठीक है बच्चों। तो टोटल मिला के 18 ग्रुप्स हैं, 7 टोटल मिला के 18 ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है इसके अंदर। दूसरी बात, जो फर्स्ट टू ग्रुप है उसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, नेक्स्ट 10 ग्रुप को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ठीक है, और ये डी ब्लॉक है। बाकी जो लास्ट में 6 ग्रुप्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, और जो अलग से प्लेस किया हुआ टेबल है उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक और इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। इसमें जो फर्स्ट आपके पास में पीरियड है इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स एंड जो सेकंड जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसमें जो 15th ग्रुप है उसको हम बोलते हैं निक्टोजन, 16 वाले को बोलते हैं हम चालकोजन और 17 वाले को हैलोजन, 18 वाले को नोबल गैस, ठीक है। और एफ ब्लॉक जो अलग से प्लेस्ड है उसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है बच्चों। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए कि हम एस और पी ब्लॉक को साथ में क्या बोलते हैं, हम एस और पी ब्लॉक को अगर हम साथ में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस और पी को हम साथ में क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव या फिर और नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। एस और पी को साथ में हम रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स कहेंगे। और बच्चों ध्यान ये देना, इसमें जो पी ब्लॉक है उसमें हम जीरो ग्रुप को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब एस ब्लॉक के दोनों, और पी ब्लॉक में हमारे पास टोटल 6 ग्रुप है उसमें से हम सिर्फ 5 ग्रुप इंक्लूड कर रहे हैं, जीरो ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर रहे इस रिप्रेजेंटेटिव में या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स में, ठीक है। तो जीरो ग्रुप इस रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो बच्चों ये है लॉन्ग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं अबाउट एस पी डी एफ ब्लॉक्स, ठीक है, ओके। सो टिल देन प्लीज स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and study good.